प्यार फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं सिद्ध मंत्र को तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अपना नंबर या अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना लिखें, और कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल भी बिल्कुल ना करें। कोई भी समस्या है उसका समाधान पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर पर कॉल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके लेकर आते हैं जिनसे आप अपना काम करवा सकते हैं और अपनी जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। इन टोटकों को अगर आप अपना लेते हैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन की हर परेशानी का समाधान हमारे बताए गए टोटकों में होता है। अगर सही तरीके से आप इन टोटकों का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये एक प्रकार का तंत्र होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने पर मजबूर करता है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप नींबू से वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। नींबू एक ऐसा उपाय है जिसे वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। नींबू से वशीकरण करने के लिए आप नींबू के दो टुकड़ों को काट लीजिए। इन टुकड़ों को अपने हाथ में लीजिए और उन्हें अपने वश में करने वाले व्यक्ति का नाम का उच्चारण करते हुए उन पर दबाएं। फिर आप इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ दीजिए और उन्हें अपनी अंगूठी के मध्य और तर्जनी उंगली के बीच में धारण करें। अब आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश आदेश, शक्ति शक्ति, उम्र रूपिणी। अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेकर कहना है, आओ आओ, स्वयं उग्र रूपिणी हो जाओ, नमो नमः स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार उच्चारित करें। इसके बाद इन टुकड़ों को अपनी अंगूठी से हटा लेना होगा और इन्हें एक चादर या पर्स में बांध देना होगा। इस चादर या पर्स को अपने पास रखें और अपने प्रेमी प्रेमिका को उसे स्पर्श करने दें। इस तरह नींबू से वशीकरण के उपाय का उपयोग करके आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने वश में कर सकते हैं। हालांकि फिर भी हम आपको ये सलाह देते हैं कि किसी भी प्रकार के तंत्र, मंत्र या वशीकरण जैसे कार्यों का उपयोग करने से पहले हमारे गुरु जी से सलाह लें और अपने आप को खुशहाल बनाएं। अगर आपकी और भी कोई समस्या है तो आप गुरु जी से अपनी समस्या का